स्थित कोमल हेल्थ सेंटर में छापा मारकर लिंग जांच कर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात कराने का भंडाफोड़ किया है। टीम ने नकली ग्राहक बनाकर अस्पताल में भेजा। आपको बता दें कि सिविल सर्जन पलवल को सूचना मिली कि समयपुर गांव में गर्भपात करने का काम लंबे समय से किया जा रहा। सिविल सर्जन पलवल ने इस बात की सूचना सिविल सर्जन फरीदाबाद को दी, जिससे दोनों जिले की संयुक्त टीम ने मिलकर इस हेल्थ सेंटर पर छापेमारी की। यह सूचना सिविल सर्जन फरीदाबाद ने छापा मार टीम बनाई और टीम ने हेल्थ सेंटर में नकली ग्राहक बनाकर भेजा। फिर टीम ने पीछे से पहुंचकर काफी लंबे समय से चल रहे इस अवैध कार्य का भंडाफोड़ किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक यह क्लिनिक अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। न ही यहां क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर आनंद के पास कोई लाइसेंस भी नहीं मिला। कोमल क्लिनिक में एक तो इन्होंने एमटीपी किटी दी है, जो एबॉर्शन के लिए काम में आती है, जो हमने डिकॉय पेशेंट बना के भेजा था। इसके अलावा यहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत सारी है, इसमें से बहुत सारी दवाई हमने सील की हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है जिनसे जो मरीजों को देखने के काम आते हैं, वो भी हमने सील किए हैं। इसके अलावा इनकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप और जो भी हमें यहाँ पे मिला है, वो सब चीज़ सील की। क्लिनिक में बाहर तो कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनाई हुई है और क्लिनिक का नाम है कोमल हेल्थ केयर क्लिनिक सेंटर के नाम से चल रही है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, एमटीपी एक्ट में किया जाएगा, आईएमसी में और ड्रग एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और जो भी होगा इनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन पलवल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पलवल डिस्ट्रिक्ट से कुछ गर्भवती महिलाओं को या अबॉर्शन पर्पज के लिए कोमल हेल्थ सेंटर समरपुर फरीदाबाद में लेके आया जाता है और यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्हें एमटीपी किट प्रोवाइड करवाता है और अबॉर्शन करने के लिए भी प्रेरित करता है और इसके बदले में वो हैवी अमाउंट इनसे चार्ज करता है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। कुछ केसेस ऐसे आए थे जिन्होंने इसके दी हुई दवाई से एमटीपी किट ली और जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और हैवी ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी एबनॉर्मलिटी उनके साथ होनी और उनकी जान पर भी बनाई थी। तो इसी सूचना की जाँच के लिए डॉक्टर परवीन, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर सुदीप सैनी जी हैं हमारे नोडल ऑफिसर हैं पीएमडीटी के, उनकी टीम बनाई गई और उन्होंने एक नकली ग्राहक बनाई आज एक लेडीज़ और वो प्रेग्नेंट है। उस लेडीज़ को यहाँ पर भेजा गया और उसको नंबरी नोट दिए गए थे और वो लेडीज़ यहाँ के डॉक्टर आनंद से मिली और उनसे बताया कि वो ऐसे ऐसे प्रेग्नेंट हैं और उन्हें एमटीपी किट चाहिए और अबॉर्ट करना है बच्चा। तो इन डॉक्टर आनंद यहाँ पर मिले जो उन्हें, उन्होंने 1,700 रुपये में उसको एक एमटीपी किट प्रोवाइड करी और उसको बकायदा उसको बताया कि किस किस तरीके से एमटीपी किट कंज्यूम करनी है। उस लेडीज़ का ना तो इन्होंने कोई टेस्ट कराया, ना ही कोई उनका हीमोग्लोबिन चेक कराया, ना ब्लड एचबी कराया, कुछ भी नहीं कराया। जस्ट उन्होंने बिना लापरवाही से करते हुए किट दे दी। किट लेने के बाद जो है उस प्रेगनेंट लेडीज ने हमें इशारा किया, उसके बाद हम क्लिनिक में आए तो हमें ये देख रहे हैं ये डॉक्टर आनंद हैं ये मिले और इनसे जब हमने क्वालिफिकेशन इनकी पूछी तो ये 12th पास हैं, इनके पास कोई मेडिकल में डिग्री नहीं है। अब ये देखेंगे इनके, आप अपना कैमरा देखेंगे कितनी मेडिसिन का इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, इनके पास इनका भी बिल नहीं है। तो अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही है, एमटीपी एक्ट में जो टैक्स कॉस्मेटिक और भी सेक्शन हैं वो हम इन पर लगाएंगे और इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ताकि नहीं, लोग हैं, हम मानते हैं कि लोग हैं, पर इसी के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग भी कमर कस के लगा हुआ है कि ऐसे लोगों के इनका जो अंजाम है जेल है और वहाँ तक हम पहुँचा के छोड़ेंगे।